गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो बेटा हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी 12th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आज हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जैसे हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर्स को पढ़ा। तो लेट्स बिगिन बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, पहली लाइन आपके सामने है, देखिए और बताइए क्या होना चाहिए। बताइए इसमें क्या आना चाहिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड लिव स्टॉक पॉपुलेशन इन चाइना इंडिया एंड चाइना। हाउ एवर इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड फॉर्म प्रोड्यूस इज ओनली -%। तो बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पे, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है आंसर आ गया मेरे पास, 70% और यहाँ पे 25%। इससे पता चलता है कि हमारे इंडिया और चाइना में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, और इसी प्रोडक्टिविटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा इस चैप्टर में, और इसी तरीकों को हम लोग ने सीखा था। ठीक है, बिल्कुल से ठीक है, 70 and 25, वेरी गुड। सेकेंड आपके सामने है, पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल या बर्ड यूज फॉर और फॉर दियर एग्स। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन्स डक एंड सम टाइम, कभी कभी और क्या ग्रो कराते हैं, जरा बताइए क्या भरा जाएगा इसमें। जल्दी बेटा, बोला गया है चिकन और डक के अलावा और क्या ग्रो करा सकते हैं। टर्की एंड गीज, टर्की एंड गीज भी ग्रो करा सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा, इस प्रजाति का नाम बताना है, इस ब्रीड का नाम बताना है, और ये भी बताना है ये कहां से बिलोंग करती है। एक साथ बताइए इस ब्रीड का नाम क्या है, और ये भी बताइए कि ये कहां से बिलोंग करती है। इसका आंसर लोगों ने दे दिया, दिस इज जर्सी, और बिलोंग करती है कहां से, इंग्लैंड, जर्सी एंड इंग्लैंड। चलिए इस ब्रीड का नाम बताइए। सबका आंसर आ गया इंग्लैंड जर्सी। इसका बताइए जो अब मैंने नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट दिखाया है, इस ब्रीड का नाम क्या है। बिल्कुल ठीक है, वाइट लेग हॉर्न, वाइट लेग हॉर्न, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए ये तो सब लोग जानते होंगे कि ये म्यूल है। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्या है, म्यूल तो है लेकिन ये कैसे बनाया गया, उस तरीके का नाम बताइए। आई मीन टू सी कि इन ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग, अगर आउट ब्रीडिंग से भी बनाया गया तो किस तरीके से बनाया गया है। जल्दी बताइए म्यूल किस तरीके से बनाया गया है। अरे म्यूल मैंने पूछा ही नहीं था, मैंने तो खुद बता दिया, मैंने पूछा है ये किस तरीके से बनाया गया। हाँ, तरीके का नाम, बिल्कुल सही जवाब आ गया मेरे पास, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है। ठीक है, वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन इसी में है, क्या ये फर्टाइल है कि स्टराइल, जल्दी से बताइए, इट इज फर्टाइल और स्टराइल। बिल्कुल सही, मेल डंग की फीमेल हॉर्स को क्रॉस करके बनाया गया, लेकिन ये फर्टाइल है कि स्टराइल। तो आंसर आ जाएगा इट इज स्टराइल। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपने टीवी पे और न्यूज़पेपर में
बर्ड फ्लू वायरस के बारे में सुना हो था, ठीक है, जो कि जिसने काफ़ी स्केयरनेस यानी कि काफ़ी डरा दिया था हमारे कंट्री के लोगों को, और जिससे क्या हो रहा था, लोग चिकन का कंजप्शन नहीं कर रहे थे या अंडों का कंजप्शन नहीं कर रहे थे। आपको बताना है कि ये बर्ड फ्लू वायरस का नाम बताना है, आपको बर्ड फ्लू वायरस का नाम बताना है, जल्दी बताइए। बर्ड फ्लू वायरस का नाम जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है, H5N1। ये भी बता दीजिए, H1N1 से क्या होता है, H1N1 से क्या होता है। सबका सवाल जवाब सही है, H1N1। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, तो इससे होता है स्वाइन फ्लू, इससे होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है। नेक्स्ट, इन ब्रीडिंग इंक्रीज, इन ब्रीडिंग क्या इंक्रीज करती है, इन ब्रीडिंग से क्या बढ़ता है, इन ब्रीडिंग से क्या बढ़ता है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, बोल देता हूँ हिंट, इन ब्रीडिंग क्या बढ़ाती है, हमारे जीन लेवल पे सोचना है। इन ब्रीडिंग इंक्रीज, क्या इन ब्रीडिंग बढ़ाती है, जल्दी से जवाब दीजिए बेटा। बिल्कुल ठीक जवाब है, इन ब्रीडिंग बढ़ाती है होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी ये NCERT की लाइन है कि इन ब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी बढ़ा देती है, बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से आगे चल के इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो दस इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वॉन्ट टू इवॉल्व द प्योर लाइन इन एनी एनिमल, इन ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन, हार्मफुल रेसेसिव जीन, इन ब्रीडिंग से क्या होता है, हार्मफुल रेसेसिव जीन जो होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है, दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, जिसको आप सिलेक्शन द्वारा एलिमिनेट कर चुके थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, देख के बताना है ये किस टाइप की ब्रीडिंग है, ये पढ़ के बताइए कि किस टाइप की ब्रीडिंग है, जिसमें हम लोग ने सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड लिया है और उसकी मेटिंग करा दी थी सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। तो जल्दी से देख के बताइए किस तरह की ब्रीड है। किस तरह की ब्रीडिंग है ये बताइए, यहाँ भरना है किस तरह की ब्रीडिंग है। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है, ये है क्रॉस ब्रीडिंग, दिस इज क्रॉस ब्रीडिंग, और इसी से हम लोग ने क्या बनाया है, हिसारडेल, इसी से हिसारडेल बनाया है, जो कि सीप की प्रजाति है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी ब्रीडिंग है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। इसको देखिए और बताइए जल्दी से। ये कौन सी ब्रीडिंग है जल्दी बताइए, ये है आउट क्रॉसिंग, दिस इज आउट क्रॉसिंग, दिस इज आउट क्रॉसिंग। ये क्या है, इन दिस मेथड द मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड। हाँ सबका सही जवाब है आउट क्रॉसिंग, वेरी गुड। अब बताइए थर्ड वाला केस क्या होगा, थर्ड वाला केस है हाँ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड डाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड डाइजेशन,
ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। बोला गया कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम हर्ड साइज को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर्ड क्या होता है? पशुओं के झुंड को बोलते हैं हर्ड। बताइए किस प्रोग्राम से हर्ड साइज को कम समय में ज्यादा कर सकते हैं, उस प्रोग्राम का नाम बता दीजिए जल्दी से बेटा, शॉर्टकट में ही लिखना है। हाँ, इसका प्रोग्राम का नाम है MOET, मल्टीपल ओविलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोग्राम, जिससे हर्ड साइज को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, सुपर ओविलेशन में कितने एग प्रोड्यूस होते हैं और उसमें कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? पहले आपको हार्मोन का नाम बताना है, जो NCERT में लिखा है वैसे ही बताना है बिल्कुल, और आपको बताना है टोटल एग्स कितने प्रोड्यूस होंगे पर साइकिल, टोटल एग्स पर साइकिल, तो जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बेटा, हाँ तो ये हो जाएगा बिल्कुल FSH लाइक हार्मोन, FSH लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन यूज करना है, और यहां हो जाएगा 6 to 8X, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट, द फर्टिलाइज्ड एग आर डैश सेल्ड स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली ट्रांसफर टू विच मदर, जल्दी से बताओ कितने सेल्ड स्टेज को नॉन सर्जिकली किस मदर में डालेंगे, जल्दी से बताइए। कम ऑन एवरी वन, लेट मी नो, बताइए मुझे जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, 8 से 32 सेल स्टेज में, और जिस मदर में डालेंगे इसको बोलते हैं सोरोगेट मदर, सोरोगेट मदर। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सोरोगेट मदर को बायोलॉजिकल मदर बोलेंगे कि जेनेटिकल मदर बोलेंगे, जल्दी से जवाब दे दीजिए। हाँ, सबका सही है बेटा, 8 से 32 सेल स्टेज और सोरोगेट मदर, और दिस इज बायोलॉजिकल मदर या जेनेटिकल मदर, जल्दी से जवाब दीजिए। कम ऑन एवरीवन, दिस इज बायोलॉजिकल मदर, बिल्कुल सही जवाब है, बायोलॉजिकल मदर होगी। बी कीपिंग, और बी कीपिंग को और क्या कहते हैं, यहां भरना है, और फिर हनी बी कीपिंग का प्रोडक्शन में हनी को ग्रो कराते हैं, इट इज बीन एन एज इंडस्ट्री, तो कैसी इंडस्ट्री है? बी कीपिंग को क्या कहते हैं, पहले यहां भरना है, बताना है आप लोगों को, आंसर करना है, और इस ये कैसी इंडस्ट्री है? सही है, इसको बोलते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर, और ये ओल्ड ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है, ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है, वेरी गुड वेरी गुड, सबने सही जवाब दे दिया है, ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है। ठीक है, बीज आर पॉलिनेटर ऑफ मैनी क्रॉप सी चैप्टर टू सच एस सनफ्लावर ब्रैसिका एप्पल, और एक चौथा क्या था जल्दी से बता दीजिए, चौथा पौधा कौन सा है? NCERT में 4 एग्जाम्पल दिए, सनफ्लावर ब्रैसिका एप्पल और चौथा कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है, पियर। अब आपको अगला सवाल कि ये दोनों फ्रूट ट्रू फ्रूट है कि फॉल्स, और किससे डिराइव होते हैं, इनका एडिबल पार्ट बता दो, ट्रू है कि फॉल्स पहले ये बताओ, फिर इनका एडिबल पार्ट कॉमा लगा के बता दो, जल्दी बताओ।
बिल्कुल सही जवाब है, अब जो पूछा है वो बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, दिस इज फॉल्स फ्रूट, और इसका खाते हैं थैलमस। क्या खाते हैं? थैलमस। वेरी गुड। अब देखिए, द फ्रेश वाटर फिशेस विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड कैटला, रोहू एंड तीसरी क्या है ये बताओ। और मैरीन वाटर में चार दिया था एनसीईआरटी में, हिल्सा, सार्डिन। तो यहाँ पहले इसका बताओ, फ्रेश वाटर का यहाँ क्या भरेंगे, पहले इस इतने का आंसर दीजिए, यहाँ क्या आना चाहिए, कैटला रोहू के साथ साथ क्या। हाँ, सबका सही था। बिल्कुल सही जवाब है, कॉमन कार। कॉमन कार, ठीक है। और मैरीन वाटर वाले में अब यहां से यहां तक का जवाब देना है। मैरीन वाटर में चार दी थी, तो ये तीसरी और चौथी कौन सी है? बिल्कुल सही है, सबने सही जवाब दिया। बिल्कुल सही, इसका भी जवाब आ गया मेरे पास, दिस इज माकरेल और पॉम्फ्रेट। माकरेल और पॉम्फ्रेट, ठीक है। और माकरेल में क्या विशेषता है ये भी जवाब दे दीजिए, इसमें होता है ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर में डिफरेंस पूछा है, तो मैं बोल रहा हूं आपको सिर्फ जवाब देना है। देखो, फिशेस को ग्रो कराएंगे किसमें, बस इतना जवाब दो, मैं समझ जाऊंगा। केवल फिशेस को ग्रो कराएंगे किसमें? फिशेस को ग्रो किसमें कराएंगे? तो जो बचेगा उसको दूसरे में ग्रो करा देंगे। बताइए, केवल फिशेस को ग्रो कराते हैं किसमें? बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कराते हैं फिशेस को। तो ऑब्वियसली जो बच गया, जितने भी इडीबल इडीबल एक्वेटिक एनिमल और इक्विटेक इडीबल एक्वेटिक प्लांट्स बच गए, उनको ग्रो कराएंगे हम लोग कहाँ पे? एक्वा कल्चर में, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी पता चल गया और क्लियर भी हो गया। ब्लू रेवल्यूशन किसके लिए कराते हैं? ब्लू रेवल्यूशन किसको फ्लोरिश करने को बोलते हैं, किसके किससे संबंधित है? ब्लू रेवल्यूशन किससे संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब है, फिशरी से संबंधित है। फिशरी को, फिशर्स को ग्रो कराने को बोलते हैं। ग्रीन रेवल्यूशन किससे संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो आप लोग। ग्रीन रेवल्यूशन किससे संबंधित है? प्लांट्स या फिर क्रॉप को ग्रो कराने को बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, आप लोग इतना और बता दो, सिल्वर रेवल्यूशन, सिल्वर रेवल्यूशन किससे संबंधित है? सिल्वर रेवल्यूशन किससे संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब आया मेरे पास, एग के ग्रो कराने को बोलते हैं हम लोग सिल्वर रेवल्यूशन। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स ओल्ड। सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेट्स बैक टू दैस ईयर्स एगो। ये एनसीईआरटी वाला जवाब दीजिएगा, कितने समय पहले हम लोगों के पास रिकॉर्ड है एग्रीकल्चर का। एनसीईआरटी वाइज जवाब दीजिएगा, एवरेज वाला जवाब मत दीजिएगा। जल्दी बेटा, कम ऑन एवरीवन, पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं हम। हाँ, एंड वैसे तो इसका है 9000 टू 11000,
हाँ लेकिन एवरेज नहीं हमने पूछा था, अगर एवरेज पूछते तो आ जाता 10,000 ईयर्स। ठीक है, अब देखो इसको हम नंबर देते जा रहे हैं, इसको एक नंबर, इसको दो नंबर, इसको तीन नंबर, इसको चार नंबर, इसको पांच नंबर। अब इसका करेक्ट सीक्वेंस बता दो बेटा, नंबर वाइज करेक्ट सीक्वेंस बता दो नंबर वाइज। जैसे पहले कौन सा स्टेप आएगा तो यहां मैं लिखता जाऊंगा, या आप बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, पहले नंबर पे क्या, पहले कौन सा नंबर आना चाहिए, इनमें से सबसे पहला कौन सा काम होता है तो उसका नंबर लिख दो। मान लो कि एक नंबर वाला काम पहले होता है तो पहले एक नंबर लिखोगे, फिर तीन नंबर वाला काम बाद में होता है तो फिर तीन नंबर लिख दो। स्टेप वाइज चलो स्टेप बता दीजिए जल्दी से। इसका नंबर आ जाएगा 2, 5, 3, 4, 1। बिल्कुल सही जवाब है 2, 5, 3, 4, 1। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 2, 5, 3, 4, 1। अब जो अभी हमने पांच स्टेप पढ़े हैं उसमें से किसी एक स्टेप के लिए ये प्रोसेस है जो इसमें बहुत समय लगेगा और जो बहुत ही टेडियस यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उनमें से ये किस स्टेप के लिए था उसका नाम बता दो। इन पांचों में जो हमने स्टेप्स पढ़े थे अभी, उनमें किस स्टेप के लिए ये बात सही साबित होती है उसका हमको नाम बता दो स्टेप का। कम ऑन बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही जवाब है, या हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही जवाब है। बाय टेस्टिंग द फार्मर्स फील्ड फॉर एटलीस्ट डैश ग्रोइंग सीजन एट सेवरल लोकेशन इन कंट्री रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रोमेटिक जोन्स वेयर द क्रॉप इज यूजली ग्रोन। तो कितने सीजन तक ग्रो कराते हैं एटलीस्ट, ये आपको बताना है, एनसीईआरटी में गिवन है। बिल्कुल सही जवाब है, कुछ बच्चों ने पूरा हेडिंग लिख दिया है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। बिल्कुल सही जवाब है सर, है ना, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 3 ग्रोइंग सीजन, 3 ग्रोइंग सीजन तक हमें ग्रो कराना होता है। ठीक है, इंडिया मेनली एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी एंड इंप्लाइज नियरली हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। जल्दी से दोनों जवाब दे दीजिए एक साथ, जल्दी बच्चा। बिल्कुल सही जवाब है 33% और 62%। 33% जीडीपी का कवर होता है और 62% ऑफ पॉपुलेशन का होता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ड्यूरिंग 1962-2000 वीट प्रोडक्शन कितने मिलियन टन से कितने मिलियन टन हो गया, पहले ये वाला बता दो, कितने मिलियन टन से कितने मिलियन टन हो गया वीट के लिए बता दो। पहले पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देंगे। बताओ बेटा वीट प्रोडक्शन कितने से कितना हो गया, लिख के भेजो। बिल्कुल सही जवाब है 11 से 75, 11 से 75। अब हमें जानना है राइस प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ हो गया था, राइस प्रोडक्शन के लिए अब लिख के भेजो बेटा। बिल्कुल सही जवाब है 35 से लगभग 89.5 या फिर 90। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट, इन डैश सेवरल वेराइटीज सच एस एंड डैश वेयर हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंस वर इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द व्हीट ग्रोइंग बेल्ट इन द इंडिया। मतलब व्हीट की बात चल रही है,
तो इसका मतलब किस सन में वीट की वैरायटी बनाई गई जो कि जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा था, और उसका नाम क्या होगा? तो दो नाम लिख दीजिए यहाँ पे, पहले ईयर बताइए फिर उसके दो नाम। इसको पढ़ के तो ये पता चल गया कि वीट की वैरायटी पूछ रहा है। तो वीट की वैरायटी कब बनाई गई थी, उनका नाम क्या था? जल्दी बेटा, नाइनटीन सिक्सटी थ्री में, वेरी गुड। और उनका नाम था सोनालिका और कल्याण सोना, सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है, सही है बेटा। हाँ, 1963 सबने जवाब दे दिया, और वैरायटी का नाम है सोनालिका एंड कल्याण सोना, वेरी गुड, सबने सही जवाब दे दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट आपके सामने है लेटर बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार वैरायटीज, वैरायटीज डैश आर डेवलप्ड इन इंडिया, ये भी बता दे। मैं पूछना चाहता हूँ राइस की सेमी ड्वार वैरायटी कौन सी बनाई गई, राइस की। हाँ, इसका आ जाएगा जया और रत्ना, जया और रत्ना दो वैरायटी बनाई गई, ठीक है। सैक्रम कौन सा सैक्रम का स्पीसीज ओरिजिनली नॉर्थ इंडिया में ग्रो कराया जाता था, बट लेकिन उसका पुअर कंटेंट था सुगर का और यील्ड था, तो उस प्रजाति का नाम बताना है, उस प्रजाति का नाम बताना है। कम ऑन एवरीवन, हाँ इसका नाम होगा बारबेरी, बारबेरी, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। हाइब्रिड मेज के साथ दो और चीजें बनाई गई थी इंडिया में, उनका नाम बताना है, और फिर ये भी बता दीजिए कि जो हाइब्रिड ब्रीडिंग हमने कराई थी उसमें हाई यील्ड के साथ साथ किसके लिए रेजिस्टेंस था। सब लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपको एनसीईआरटी की लाइनों पे गो थ्रू भी आप हो पा रहे हो। हाइब्रिड मेज के साथ साथ क्या बनाया गया था, बिल्कुल ठीक है, ज्वार एंड बाजरा, ज्वार एंड बाजरा, और वो वाटर रेजिस्टेंस थी, वाटर स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस थी, वाटर स्ट्रेस को झेल सकती थी, बिल्कुल ठीक जवाब है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कमांड है आपका। क्रॉप लॉसेस कैन बी ऑफन बी सिग्निफिकेंट अप टू परसेंट और सम टाइम इवेंट टोटल, तो कितना परसेंट क्रॉप से लॉस हो जाता है अक्सर, और कभी कभी पूरा ही, तो वो परसेंट बताना है कि जो अक्सर होता है। कम ऑन गाइस, रिप्लाई करिए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 22-30%, 22-30%। ब्राउन रस्ट व्हीट, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बता दो ये तीन अलग अलग पैथोजन से होता है कि एक ही ग्रुप के पैथोजन से होता है, आपको ग्रुप का नाम बताना है और उस ग्रुप का नाम भी बताना है। अगर अलग अलग होता है, मान लो कोई बैक्टीरिया से होता है तो अलग से लिख के भेजो, अगर सारे एक ही से होते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म का ग्रुप का नाम लिख के भेजो। जल्दी से बेटा, बिल्कुल सही जवाब है, ये सारे फंगल डिजीज हैं, ठीक है, फंगल डिजीज फंजाई से होगा, ठीक है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर किससे होता है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर किससे होता है, हाँ सारे फंजाई से होंगे, फंगल डिजीज है, सेम होंगे, ठीक है ना। जरा आप बताइए आप लोग, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर किससे होता है, बैक्टीरियल, बिल्कुल सही जवाब है, बैक्टीरियल डिजीज है।
ये दोनों कैसी डिजीज है, ये दोनों कैसी डिजीज है, ये दोनों है वायरल डिजीज। कैसी डिजीज है, वायरल डिजीज, ये दोनों वायरल डिजीज है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए इस टेबल पे आते हैं, इस टेबल को हम लोग करते हैं। चलिए वीट की वैरायटी का जल्दी से सब लोग नाम लिख के भेजिए, वीट की वैरायटी का नाम लिख के भेजिए। कम ऑन एवरीवन, इस वीट की वैरायटी का नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब है हिमगिरी। अब ब्रैसिका का बताइए, ब्रैसिका का बताइए। सबका जवाब सही था हिमगिरी। बिल्कुल जवाब इसका है पूसा स्वर्णिम या करण राय, करण राय। चलिए दो हो गया। फिर आप लोग कॉलीफ्लावर का जवाब दे दीजिए बेटा, कॉलीफ्लावर का जवाब दे दीजिए। उषा सुब्रा या फिर उषा स्नोबॉल केवन। ठीक है, काउ पी का क्या होगा बेटा, काउ पी का होगा पूसा कोमल। चिली का क्या होगा बेटा, चिली का होगा पूसा सदाबहार। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब सबके, सबने बहुत अच्छे से रिप्लाई कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, इन डैश रेजिस्टेंस ऑफ येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्डो डिजीज। हमने म्यूटेशन द्वारा किसमें दो रोगों के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया था, तो उस पौधे का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, यहां बताइए। इसका नाम है, बिल्कुल सही जवाब है, इसका नाम है मूंग बीन। मूंग बीन में इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया था। अब रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस इन भिंडी एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस वॉर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाइल्ड स्पीसीज एंड रिजल्टेड ए न्यू वेराइटी ऑफ एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, उसका नाम बताना है जल्दी बेटा। ये देखिए यहां क्या आना चाहिए, देख के बताओ। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो शुगर एंड लो नाइट्रोजन किसमें किया था, एंड लीड्स टू रेजिस्टेंस टू, उससे किससे बच गए थे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आएगा मेज और यहाँ आ जाएगा मेज स्टेम बोरर, मेज स्टेम बोरर। फिर से एक टेबल आ गया बेटा। अब बताओ जरा इसका क्या होगा, इसका बताओ क्या, कौन सी वैरायटी बनाई गई हम लोगों ने। ब्रैसिका की, रेप सीड मस्टर्ड की, जिससे एफिड से बच सकेगा, कौन सी वैरायटी बनाई गई।
हाँ बिल्कुल सही जवाब है, इसका होगा पूसा गौरव। पूसा गौरव इसकी कौन सी बनाई गई बेटा? फ्लैट बीन की, अब बताइए। बिल्कुल सही जवाब है पूसा, सेम टू और सेम थ्री। अब ओखला की बना दी है। सबका सही है, सेम टू सेम थ्री, बिल्कुल सही जवाब। अब ओकड़ा की बता दो बेटा, पूसा सावनी या फिर पूसा ए फोर। पूसा ए फोर, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, बहुत अच्छे से। मोर देन डैश मिलियन पीपुल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडुकेट फूड टू मीट डेली रिक्वायरमेंट, डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल सही जवाब है 8 फुट, 840 मिलियन आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। इन 2000 मेज हाइब्रिड हैज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड। उन दो अमीनो एसिड के नाम बताने जो मेज में 2000 में हम लोग ने बढ़ा लिया था, डबल कर दिया था, ऑलमोस्ट डबल कर दिया था पहले की तुलना से। जल्दी से बेटा, बिल्कुल सही जवाब है लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन। लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन, तो लाइसीन और ट्रिप्टोफैन होगा, वेरी गुड बेटा। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप द आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी कंटेनिंग ओवर हाउ मैनी टाइम्स एज मच एज आयरन इन कॉमनली यूज वेराइटी। तो क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स होगा बेटा। नहीं, एटलस 66 तो उसकी वैरायटी थी व्हीट की। आयरन एंड कैल्शियम इनरिच किसमें किया हमने? आयरन और कैल्शियम को किसमें बढ़ाया हम लोगों ने? दो पौधे का नाम देना है। आयरन और कैल्शियम किसमें बढ़ाया हम लोगों ने बायो फोर्टिफिकेशन द्वारा? बिल्कुल सही जवाब है स्पिनार्च एंड बथुआ, स्पिनार्च एंड बथुआ में। द शिफ्ट फ्रॉम ग्रीन टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड ऑफ सीरियल्स। इट टेक्स डैश केजी टू ग्रेन टू प्रोड्यूस हाउ मच केजी ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग। बिल्कुल सही जवाब है, सबने दिया था उसका बथुआ और स्पिनार्च। अब इसका जवाब दीजिए जो आपके सामने है। बिल्कुल सही जवाब है 3 to 10 kg और उससे मिलेगा 1 kg मीट। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। मोर देन डैश परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। कितनी परसेंट ह्यूमन पॉपुलेशन सफर कर रही है हंगर एंड माल न्यूट्रिशन द्वारा? बिल्कुल सही है, 25% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन सफ़र कर रही है। ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका नाम बताना है
जो बहुत तेजी से बायोमास और ग्रोथ बढ़ाएगा और प्रोटीन बनाएगा कितने टन, उसका नाम बताना है, कितनी प्रोटीन बनाएगा और उस माइक्रोब्स का नाम क्या है। आप शॉर्ट में भी नाम लिख सकते थे। बिल्कुल ठीक है, इसका होगा मिथाइलो फिल्लस, मिथाइलो ट्रोपस, मिथाइलो फिल्लस, मिथाइलो ट्रोपस, और 25 टन्स, 25 टन्स, बिल्कुल सही जवाब है, मिथाइलो फिल्लस, मिथाइलो ट्रोपस और 25 टन्स। वेरी गुड बेटा। होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम, पूरे प्लांट्स को आप किससे रीजनरेट कर सकते हो, पूरा पौधा किससे बना सकते हैं, तो उसे नाम क्या देंगे। जल्दी बच्चा, उसको बोलेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, एक्स प्लांट, उसको नाम देंगे एक्स प्लांट। दिस कैपेसिटी टू जेनरेट द होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट इज कॉल्ड एज, मतलब पूरा पौधा बना लेने की कैपेसिटी को क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हो, टोटी पोटेंसी, इसको बोलेंगे टोटी पोटेंसी। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड बेटा। ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, दे आर, मतलब सारे पौधे आपस में समान होंगे जो ग्रो कराए गए, उन्हें आप क्या कह सकते हो। दे आर सोमा क्लोन्स, बिल्कुल सही बात है, उनको बोलेंगे सोमा क्लोन्स। ठीक है, मैनी इंपॉर्टेंट फूड लाइक जो हम लोग ने सोमा क्लोन से बनाए हैं, कौन कौन से फूड हमने कॉमर्शली स्केल पे बनाया है सोमा क्लोन से, जल्दी से उनका शॉर्ट में ही नाम लिख के भेज दो। सोमा क्लोन से कौन कौन से कॉमर्शियल स्केल पे पौधे बनाए गए हैं, उनका नाम लिख के भेजिए। बिल्कुल सही जवाब है, बैट, बनाना एप्पल टोमेटो, बनाना एप्पल टोमेटो। ऑल दो द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, द डैश पार्ट इज फ्री फ्रॉम वायरस एंड हैंस वन कैन बी रिमूव द डैश पार्ट एंड ग्रो इन द विट्रो ऑप्टेन वायरस फ्री प्लांट। तो बताइए पहले वाले में क्या भरेंगे, फिर कॉमा लगा के दूसरे वाले में क्या भरेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, कुछ लोगों ने तो बना के भेज दिया। इसमें हम यूज करेंगे मेरिस्टेम, और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एपिकल और एक्सिलरी दोनों, तो एपिकल और एक्सिलरी दोनों यूज करेंगे, और फिर उसी मेरिस्टेम को हम रिमूव कर लेंगे और उस मेरिस्टेम को ग्रो करा लेंगे, और ग्रो कराने के बाद फिर क्या वायरस फ्री प्लांट बन जाएगा। ठीक है, इमेजिन ए सिचुएशन वेयर प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज विद द पोटैटो एंड देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म द न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो करेक्टरिस्टिक्स, वेल प्लांट हैज अचीव्ड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ, इन दोनों को जोड़ के कौन सा प्लांट बनाया।
इसको जोड़ के हम लोग ने बना लिया पोमेटो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कॉमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया। क्लियर? तो बहुत सही से आप लोगों ने पूरे चैप्टर का आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को चैप्टर पे कमांड हो रहा है। हम लोग इसकी ऑब्जेक्टिव किसके लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द